hello students welcome to group 5 in this lecture 4.1 we will discuss about the properties of electric field lines number 1 electric field lines always emerge or diverge from a positive point charge or always converge or terminate at a negative point charge so electric field line always diverge और इमर्ज फ्रोम ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज कन्वर्ज और टर्मिनेट एट ए नेगेटिव चार्ज मतलब ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अवे होती है डाइवर्ज करती हुई दिखाई देती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होता है सो डाइवर्ज करती हुई दिखाई देगी या इमर्ज होती हुई दिखाई देगी पॉजिटिव चार्ज से और अगर हम निगेटिव चार्ज ले ले तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है टू द दिव चार्ज सो इसके लिए हमें कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी ऐसे नंबर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर डेंसर होती है मतलब पास पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होगी मतलब दूर दूर होगी या अवे होगी एक दूसरे से ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एट द पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ डेंसर और नियर टू ईच अदर जैसे हम यही एग्जाम्पल लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है वन अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से सो डिस्टेंस ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है सो so, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से अगर यहां पे पॉइंट लेते हैं हम एक बी और एक पॉइंट यहां पर लेते हैं ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा ए पर अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है पास पास और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी दूर दूर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉगर एट द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नियर इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके सो देर आर थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर गिवन इन तीनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है सो so, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंसर होगी तो सबसे ज्यादा डेंसर कहां पर है ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा पास पास फिर बी पर दूर दूर होगी फिर सी पर और ज्यादा रेयर होगी या और ज्यादा दूर दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो सबसे कम कहां पर होगा सी पर फिर उससे ज्यादा बी पर फिर सबसे ज्यादा ए पर सो so, इन तीनों पॉइंट पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पर फिर बी पर और देन सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स ड्यू टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कैसा होता है कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स वही होता है जिसका वकडन किसी क्लोज पाथ के लोग हमेशा कैसा होता है जीरो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप ले लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वगडन जीरो नहीं हो पाएगा क्लोज लूप में इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म Closed loops due to conservative nature of electric force. Electric force कैसा होता है Conservative. So अगर हमें closed loop ले लेते हैं, suppose ये electric field line है, हमने consider कर लिया कि ये electric field line है और closed loop बना रही है, ठीक है जी? ऐसे electric field की direction ऐसे होगी तो अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलांग मूव करा रहा हूं मैं सो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी ऐसे सो so, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे हमेशा सो डन कैसा हो जाएगा इस केस में पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो अगर मैं चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं निगेटिव फोर निगेटिव चार्ज पार्टिकल तो वर्क डन कैसा हो जाएगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स किधर लगेगा अपोजिट तो वर्क डन कैसा हो जाएगा निगेटिव इसके लिए भी वर्क डन कैसा नॉन जीरो लेकिन हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में वर्क डन हमेशा कैसा होना चाहिए जीरो लेकिन यहां पर तो नॉन जीरो है तो क्लोज लूप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाएगी एक बार और सुन लीजिए जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस फोर्स का वर्कडन क्लोज लूप में हमेशा कैसा होना चाहिए जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका वर्गन क्लोज लूप में कितना होना चाहिए जीरो लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है कैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे टेंजेंट और डिस्प्लेसमेंट भी इसी के अलोंग तो वर्गन कैसा हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव और अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट तो वर्गन कैसा निगेटिव दोनों केस में जो वर्गडन है वो जीरो नहीं है चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो लेकिन वर्गन कैसा है नॉन जीरो लेकिन होना चाहिए कैसा जीरो तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी नेक्स्ट नंबर फोर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन देर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है तो इंटरसेक्शन पॉइंट यह है इसका सो so, इस पर इस टेंजेंट के लिए ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इस टेंजेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी सो so, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी तो so, दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती नेक्स्ट नंबर फिफ्थ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग टू ए नेगेटिव चार्ज और डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सपोज एन एंड द चार्ज इज क्यू देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी Directly proportional to the magnitude of that charge. So the number of electric field lines diverging or converging from a point. चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज अगर हमारे पास दो चार्ज दे दिए एक चार्ज दे दिया सपोज टू क्यू और एक चार्ज दिया क्यू सो so, अगर इससे हम चार लाइन शो करेंगे फोर देन वी हैव टू शो द एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम दिस टू क्यू चार्ज बिकॉज इट इज ट्वाइस इन कंपेरिजन टू दिस चार्ज सो अगर इससे हंड्रेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो करेंगे तो इससे कितनी करनी पड़ेगी दो सो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ज्यादा होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नियर टू इच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होगी और पास पास तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी इसलिए अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होनी चाहिए ज्यादा नेक्स्ट नंबर सिक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए चार्ज सरफेस तो अगर कोई चार्ज सरफेस है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इससे कैसे होगी परपेंडिकुलर जब यहां से इमर्ज होगी उसके बाद पाथ किसी भी शेप का हो सकता है बट यहां से कैसे निकलेगी परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा से भी नाइंटी डिग्री चाहे ये बाद में कर्व हो जाए बट यहाँ पे नाइंटी डिग्री होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेवन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमेशा कितना होता है जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जो यूनिट पढ़ रहे हैं मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को क्रॉस नहीं करेगी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से पास नहीं करती सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल और कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन सो इसपे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फोर एन आइसोलेटेड चार्ज मेटेलिक स्फेयर विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सो एक आइसोलेटेड चार्ज मेटेलिक स्फेयर है हमारे पास इसके लिए चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर दी मैंने ये वन है ये टू है डॉट डॉट का मतलब है ये मेटेरियल से पास नहीं कर रही दिस इज द सेकंड वन दिस इज द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज दिस दिस इज थर्ड वन दिस इज सेकेंड सो इस वीडियो को पॉज करके पहले ये चेक करो आप लोग कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन चारों में करेक्ट है देन चेक योर आंसर नाउ सो हमें पता है कि किसी भी कंडक्टिंग मेटेरियल से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी पास नहीं करती तो जो ये वाला है ये तो हो गया रोंग अब दूसरा जो सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के क्या होती है चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये वाला भी गलत हो गया अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटेरियल से पास नहीं कर रही फोर्थ भी मेटेरियल से पास नहीं कर रही ये तो सही है थर्ड भी परपेंडिकुलर है और फोर्थ भी परपेंडिकुलर है क्योंकि सेंटर से पास करती हुई दिखाई दे रही तो ये कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रही है अब ये जो डायरेक्शन शो कर रही है बता रही है कि यहां पे चार्ज कैसा है निगेटिव ये कैसे बता रही है पॉजिटिव अब ये आइसोलेटेड चार्ज मेटलिक है या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा लेकिन ये लाइन बता रही है और ये लाइन बता रही पॉजिटिव तो ये थर्ड वाला भी रोंग है अब बात आती है फोर्थ की ये लाइन कैसे बता रही निगेटिव ये लाइन भी कैसा बता रही है निगेटिव पर भी है और मेटल से पास भी नहीं कर रही सो फोर्थ लाइन इज द करेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर We will discuss about the area vector and then the electric flux.